हमने अभी तक ये देखा कि अगर ये एक्स टी ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता है देखो सर ये एक्स टी ग्राफ है। मैंने कहा हाँ एक्स टी ग्राफ है। वो कहता है देखो ये ना स्लोप चेंज कर रहा है। मैं कहा हाँ चेंज कर रहा है। कहते क्या आप ग्राफ को देखते हुए बता सकते हो कि इस पॉइंट पे इस समय पे इस गाड़ी की क्या वेलोसिटी है? मैंने कहा कैसे बताऊंगा यार, ये तो स्लोप हर घड़ी चेंज कर रहा है, और क्योंकि एक्स टी ग्राफ की स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी घड़ी घड़ी तो चेंज होती जा रही है। वो कहता है यहाँ बताओ क्या होगी, फिर यहाँ बताओ क्या होगी, यहाँ बताओ, इस ग्राफ को देखते हुए बताओ। मैंने कहा इसमें पूछ ले, क्योंकि यहाँ तो हर वक्त वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, एक ही आंसर होगा, और यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है? हर इंस्टेंट पर चेंज। तो एक प्रॉब्लम आ गई कि अब मैं स्लोप कैसे निकाल लूँ, टैन थीटा कैसे लूँ। तो फिर किसी ने कहा एक काम करो, आप पहले ना इस पूरी जो लाइन देख रहे हो टेढ़ी मेढ़ी जो ग्राफ बन रहा है, इसका ना छोटा सा एलिमेंट लो। मैंने कहा छोटा एलिमेंट, छोटा टुकड़ा? तो मैंने कहा वो कैसे, वो क्या होगा? वो कहते दुनिया का सबसे छोटा टुकड़ा ले लेना, वो तो इनफाइनाइट होता है, वो तो डी एक्स और डी वाई में लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा वो उसकी शेप कैसी होगी, जैसे ये टेढ़ा जा रहा है उसकी शेप ही टेढ़ी होगी, टेढ़ी होगी। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो वो भी टेढ़ा होगा? नहीं होगा। इस पॉइंट को समझते हैं, वो स्ट्रेट होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो इस बात को उसने बहुत छोटे वर्ड से समझा दिया, मैं थोड़े ज़्यादा वर्ड ले लेता हूँ समझाने के लिए, इतने छोटे में बात समझ में नहीं आएगी। किसी ने मेरे को ये कहा कि सर एक काम करो, आपको ना एक अपनी बाइक चलानी है, और बाइक चलानी है। मैंने कहा ठीक है चला देंगे। तो एक सर्कल काटना है, सर्कल में चलानी है। मैंने कहा ला बाइक चलाता हूँ। तो सर्कल कितना बड़ा मालूम है? वो कहता है जी पूरे ट्राई सिटी के अंदर पूरा एक सर्कल काटना है। तो अच्छा ट्राई सिटी का सर्कल तो कई किलोमीटर लंबा है। हाँ कहता कई किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा सर्कल काटना है, ये तो दिख रहा है बोर्ड पे, लेकिन जब असली बाइक चलेगी तो सोच सकते हो कई किलोमीटर कई घंटे लगा देगी। अब मैं क्या करूँ, बाइक लूँ? मेरे को किसी ने कहा था गोल मुड़ना है, तो अभी से मोड़ दूँ, गोल मोड़ दूँ, अभी मोड़ूंगा अभी यहाँ से कहाँ गोल काट के खड़ा हो जाऊँगा, तो चक्कर कैसे काटूँगा? तो बाइक कुछ तो चलानी पड़ेगी। तो मतलब अगर ये कई किलोमीटर की बाउंड्री है, मुझे कुछ देर के लिए तो बाइक स्ट्रेट चलानी पड़ेगी। देख रहे हो यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं कह रहा हूँ बाइक मुझे स्ट्रेट चलानी पड़ेगी, फिर मुड़ना पड़ेगा, फिर मुझे स्ट्रेट जाना पड़ेगा, फिर मुड़ना पड़ेगा, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, समझ आ रहा है? जैसे मैं सीधा जाऊँगा फिर मुड़ूंगा थोड़ी देर बाद, फिर सीधा जाऊँगा, फिर तब जाके मैं बड़े चक्कर का राउंड मार पाऊँगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक इसका मतलब बहुत बड़े चक्कर के लिए ये छोटा सा डिस्टेंस, मतलब बहुत बड़े रेडियस के लिए तो छोटा सा डिस्टेंस है, वो क्या माना जाएगा? स्ट्रेट, वो गोल नहीं माना जाएगा, मानते हो? सेम चीज़ इसके साथ है। उसने बोला कि अगर मैं इस कर्व का हल्का सा पॉइंट ले भी लूँ तो कर्व कैसे होगा? वो बेचारा पॉइंट इसके सामने कुछ भी नहीं है, कई किलोमीटर के रेडियस में से छोटा सा पार्ट है, तो वो क्या माना जाएगा? स्ट्रेट ही माना जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो जब भी आप कोई भी कर्व का स्मॉल एलिमेंट लेते हो, उसका छोटा सा टुकड़ा लेते हो, वो कभी भी कर्व नहीं होगा, हमेशा स्ट्रेट ही होगा। याद रखना इस बात को। कोई डाउट इसमें? तो किसी ने कहा कि सर यहां पे वेलोसिटी निकाल के दिखाओ। अब मैंने कहा वेलोसिटी तो मुझे एक ही तरीके से निकालनी आती है, और वो क्या? स्लोप निकालनी आती है। एक्स टी ग्राफ की स्लोप निकाल दो, आंसर आएगा, पर स्लोप तो घड़ी घड़ी चेंज हो रही है। तो उसने कहा एक काम करो, एक माइक्रोस्कोप लेते हैं, माइक्रोस्कोप से ना एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। मैंने कहा एलिमेंट दिख तो रहा नहीं मुझे, क्योंकि एलिमेंट कहाँ से दिखेगा, ये तो दुनिया का सबसे छोटा एलिमेंट है, दिख भी नहीं सकता ये तो। तो कहता है जी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये मैंने एक एलिमेंट दिखा दिया, ये सिर्फ आखिरी स्टूडेंट को दिख जाए इसलिए बड़ा बना रहा हूँ, प्रैक्टिकली तो ये आपको दिखना भी नहीं है, ये तो डॉट फिर भी दिख रहा है, शायद इतना भी नहीं दिखेगा, पर अगर आप इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखो तो ऐसा दिखता है। मैंने कहा बात समझ में आ रही है, ये स्ट्रेट होगा, इतना समझ में आ रहा है, और ये सबसे दुनिया का सबसे छोटा एलिमेंट है इस लाइन का। यहाँ तक क्लियर है? तो उसने कहा एक काम करो, इसकी स्लोप निकाल दो। मैं कहा स्लोप निकाल दो, स्लोप के लिए टैन थीटा चाहिए, तो टैन थीटा में ट्राइंगल बना लूँ। पर मैंने कहा ये ट्राइंगल बहुत छोटा बनेगा, ये खुद ही एक पॉइंट है, ये खुद ही एक पॉइंट है, इसका क्या ट्राइंगल बनाऊँ? तो उसने कहा देखो ट्राइंगल बना के तो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने कहा ये क्या होगा? कहते यहाँ से ले लो, देख रहे हो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये होगा। अब एक्स एक्सिस का दुनिया का सबसे छोटा एलिमेंट होगा क्या? ये बहुत बड़ा दिख रहा है, दिखना थोड़ी ना है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम चल रहा है डीएक्स। और मैंने कहा ये बेस क्या होगा? वो कहते नीचे से ले लो, ये क्या होगा? टी का छोटा एलिमेंट डीटी।
तो कहता आ तो गई साइड, ये रही डी टी, ये रहा डी एक्स। तो कहता है एक काम करो, इसकी स्लोप निकाल दो, टैन थीटा बोलो क्या होगा, डी एक्स बाय, अरे वेलोसिटी देखी लगती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, मतलब इस इंस्टेंट की वेलोसिटी आ गई। अब पर मैंने उसे कहा कि भाई एक बात बता यार, इतनी छोटी एलिमेंट स्टूडेंट सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि मैं स्टूडेंट को ये थोड़ा दूंगा, डी एक्स की वैल्यू मैं दूंगा नहीं, डी टी मैं दूंगा नहीं, छोटा पॉइंट में बड़ा करके दूंगा नहीं, मैं तो यही दूंगा ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे, कौन सा ट्राइंगल बनाएगा स्टूडेंट, ना ट्राइंगल बना पाएगा ना उसकी वेलोसिटी कभी निकलेगी। तो उसने एक तरीका बताया, वो कहता देखो मैथ्स लगाते हैं, मैथ्स ये कहता है कि अगर आप इस ट्राइंगल को ले भी लें और ये स्ट्रेट है, आप इतना छोटा ट्राइंगल तो बना नहीं पाएंगे, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसा तो लगा सकते हैं कि इस लाइन को पीछे जाने दें और एक्स को टच करने दें और इसे नीचे आने दें, आप ये एंगल तो निकाल लें, क्योंकि ये हाइट तो आपको पता ही होगी एक्सिस में, अगर आपने ये एंगल निकाल लिया टेन थीटा, तो थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से यहां पर भी क्या आएगा, तो टेन थीटा बड़े ट्राइंगल से निकाल लेना, वही उसकी क्या कहलाएगी, स्लोप, और वही क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। तो सही हो गया यहां तक, तो रूल बन गया कि हम छोटे ट्राइंगल को सॉल्व नहीं करेंगे, हम बड़े को सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा फिर प्रैक्टिकल कैसे केस चलेगा ये, कहता ऐसा चलेगा कि आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दें ऐसे। तो मैंने कहा इस डायग्राम में, वो कहता ये ट्राइंगल स्टूडेंट को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, उससे पूछो तेरे को कहाँ वेलोसिटी निकालनी है, मैंने कहा यहाँ निकाले, अब मन में सोचना ट्राइंगल ट्रुंगल बना होगा, तो स्टूडेंट को बोलो सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ कर दे बस, उसको मत बताओ मैंने कैसे किया, बस कहो कि इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो मैंने ठीक है टेंजेंट ड्रॉ करो, बस यहाँ से लेके यहाँ तक आप टेन थीटा निकाल दो तो इस इंस्टेंट की क्या जाएगी, वेलोसिटी। तो मैंने कहा अगर स्टूडेंट कहेगा यहाँ वेलोसिटी निकालो, तो को टेंजेंट ड्रॉ कर दो स्केल के साथ, ये ट्राइंगल से टेन थीटा निकाल के यहाँ पे क्या जाएगी, वेलोसिटी। तो मैंने कहा अगर मतलब किसी भी पॉइंट में पूछे, तो कहता हाँ जी टेंजेंट ड्रॉ करते जाओ, टेन थीटा बड़े ट्राइंगल से निकालते जाओ, वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे देखना इस चीज को। तो जैसे सपोज करो आपके पास, जैसे पहला केस जो आएगा वो तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, इसमें तो स्ट्रेट है तो एक ही टेन थीटा निकलना है, इसमें अब प्रॉब्लम नहीं है, जिस भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेगा वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बड़ा ट्राइंगल बनाएंगे, टेन थीटा आएगा, वही स्लोप उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। पर एक स्टूडेंट ने पूछा सर ये बताओ, ये मेरा ग्राफ है नीले रंग का, आप मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल के दे सकते हो ग्राफिकली। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो मैंने कहा देखिए काम कर, इसे और इसे ज्वाइन कर ले, ये देख रेड लाइन से ज्वाइन कर लिया, तो ये पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन की स्लोप निकाल दे टेन थीटा, क्योंकि एक्सटी ग्राफ की स्लोप तो वेलोसिटी देगी। तो जब पूरी लाइन ज्वाइन की तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है और ये पूरा टाइम है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने कहा इसको एक काम कर, ये सारे कॉन्सेप्ट को ना न्यूमेरिकल में लगा के दिखा, ये देखो ऐसा आएगा पेपर में, वो आपको ऐसे कुछ टेढ़े मेढ़े ग्राफ देगा, वो ये पूछेगा रीजन नंबर वन में वेलोसिटी बोलो बॉडी की क्या होगी, ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी, वेलोसिटी। रीजन नंबर वन में स्लोप बोलो क्या होगी, टेन थीटा क्या होगा, टेन डिवाइडेड बाई टू, आंसर क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। रीजन टू में स्लोप क्या है ही नहीं, फ्लैट है बिल्कुल, तो वेलोसिटी क्या है, जीरो, टेन थीटा जीरो। नेक्स्ट रीजन नंबर थ्री में स्लोप क्या है, दिस, ये हाइट क्या है, 15 में से 10 गया 5 मीटर और 6 में से 4 गया 2 सेकेंड, तो 15 बाय 6 में से 4 आएगा, यहां 2 आएगा, 5 बाय 2 ऐसे आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी यहां पे वेलोसिटी क्या आएगी, 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 बाय 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कैसे करना है। और अगर कोई इस ग्राफ में ये बोले कि एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए इस स्टार्टिंग और एंडिंग को ज्वाइन कर लेना है, पूरे बड़े ट्रायंगल में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 15 मीटर और टोटल टाइम कितना है, 6 सेकंड, 15 बाय 6 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे रीड करने हैं, वो जो थ्योरी करवाई थी समझाने के लिए कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपसे सिंपली स्लोप्स के ऊपर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। समझ में आ रहा है कैसे सोचना है, कोई डाउट इसमें, टेन थीटा के
एक्स टी ग्राफ में वेलोसिटी की बात हो रही है, जीरो है, और वैसे भी यार स्लोप जीरो है, टेन थीटा जीरो है, खत्म कहानी यार, यही तो फिजिक्स है, एक सेकंड में देखते ही आंसर बोल देना ये होगा इसके साथ। तो समझ में आ रहा है यहां तक कैसे आंसर देने न्यूमेरिकली। अब सपोज करो वी टी ग्राफ है, सेम प्रॉब्लम वी टी की आ गई। केस नंबर वन, जिन क्वेश्चन में वी टी ग्राफ स्ट्रेट बनेगा देखते ही बता देना एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है, क्योंकि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या देती है, एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है, क्लोज। नेक्स्ट, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया फिर वही सेम स्टोरी, वो फंस गया कि स्लोप चेंज हो रही है तो एक्सेलेरेशन चेंज हो रही है, तुम स्टूडेंट को इसको माइक्रोस्कोप से करके दिखाओ तो माइक्रोस्कोप से स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर ये स्लोप निकलेगी, ये वी का छोटा इंटरवल डी वी और डी टी का छोटा इंटरवल डी टी, तो इसकी स्लोप क्या होगी, डी वी बाई डी टी, जिसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। ऐसे ही है, पर स्टूडेंट को कहता बताने की जरूरत क्या है, आप सीधा आ जाओ उसे बोलो टेंजेंट ड्रॉ कर दे, तो जिस भी पॉइंट की एक्सेलेरेशन निकालनी है वहां टेंजेंट ड्रॉ कर दे, टैन थीटा निकाल ले, बस वहीं उसकी एक्सेलेरेशन हो जाएगी। फिर अगर यहां कह रहा है तो यहां टैन थीटा निकाल लेना, दिस अपॉन दिस, तो इस इंस्टेंट की क्या आ जाएगी, एक्सेलेरेशन, तो ये बता देना। और मैंने कहा अगर ऐसे आ जाए वो पूछ ले एवरेज एक्सेलेरेशन क्या है, तो कहना है कि स्टार्टिंग एंडिंग को ज्वाइन कर लेना, तो ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी है और ये टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम है, तो इसको क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलेरेशन। पर मैंने कहा यार थ्योरी में तो लोगों को मज़ा नहीं आता, प्रैक्टिकल, तो कहता फिर न्यूमेरिकल करा देना, ये लो फिर वही। अब ये ग्राफ कौन सा है, वी टी ग्राफ, एक्स टी की जगह वी टी। वी टी ग्राफ में फर्स्ट रीजन में एक्सेलेरेशन क्या है, स्लोप निकाल लो, कौन सा ग्राफ है, वी टी, तो स्लोप क्या होगी, दिस हाइट 10 डिवाइडेड बाई 2 आंसर। इस रीजन की स्लोप क्या है, जीरो, तो एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो। इस रीजन की स्लोप क्या है, 15 में से 10 गया डिवाइडेड 8 में से 5 ये रहा, और एवरेज के लिए क्या करेंगे इन्हें, ज्वाइन, तो पूरे ट्राइंगल के लिए टोटल हाइट 15/8 इज दी एवरेज एक्सेलेरेशन। तो समझ में आया ये पूरे ग्राफ की थ्योरी कैसे चलती है, इसमें ग्राफ में तो कुछ ना आएगा, सिर्फ ग्राफ रीड करना आएगा, उसको इंटरप्रेट करना आएगा, चार ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में गिवन होंगे, सब्जेक्टिव में आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में ए बी सी डी मार्क करना है, वो मैं प्रैक्टिस से करवाऊंगा कि कैसे रीड करना है। डाउट है इसमें, ठीक है।